हेलो स्टूडेंट्स, वर्क का मतलब फिजिक्स में तब होगा कि फोर्स लग रहा हो और फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो तब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल एफ विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, और इस फोर्स एफ जो कांस्टेंट है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है। जैसे कोई बच्चा किसी रस्सी से बांध करके किसी खिलौने को खींचता है तो खिलौना ग्राउंड पर थीटा एंगल बनाते हुए रस्सी से, ये रस्सी से खींच रहा है तो फोर्स इधर लगा रहा है बच्चा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। तो वर्क डन जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट इधर डी हो गया, और डी के दिशा में कितना फोर्स लगा इसका कंपोनेंट डी के तरफ एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन एफ कॉस थीटा इसमें हो जाएगा। जैसे एफ का ये डी है और एफ का कंपोनेंट के क्या करते हैं, यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसमें ये जो बेस होगा वो डी के तरफ फोर्स हुआ तो ये जो बेस होगा वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी और एफ का कंपोनेंट डी के तरफ एफ कॉस थीटा डी, दैट इज एफ डी वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी स्केलर प्रोडक्ट। तो कुछ ऐसे सिचुएशन जब वर्क डन जीरो होता है जिसमें नो वर्क डन होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जैसे एक दीवार को आप धक्का दीजिए और दीवार मूव ना करे, हटे नहीं अपनी जगह से, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। एक वेट लिफ्टर जो 150 किलोग्राम मास को कंधे पर रख के खड़ा है 30 सेकंड तक, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए कोई वर्क डन नहीं हुआ वो जब चुपचाप खड़ा है। तो दूसरा सिचुएशन जब फोर्स ही नहीं लग रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे भी सिचुएशन है। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, आइस ब्लॉक है, और उसको आइस वाले प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या एकदम टाइल्स लगा हुआ एकदम चिकना हो उस पर उसको सरका दें, तो जब हाथ हटा लेंगे उस समय फोर्स नहीं लगेगा उसके बाद, लेकिन वो ब्लॉक सरकता हुआ दूर तक जाता रहेगा, तो ऐसे में फोर्स ही नहीं है जबकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा, तो ऐसे में वर्क डन जीरो माना जाएगा। ऐसा सिचुएशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, फोर्स उसके परपेंडिकुलर दिशा में लग रहा हो, तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा जब इनके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स तो उसको इधर ले जाना चाहता है परपेंडिकुलर दिशा में, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, असर ही नहीं हो रहा है, वो अपनी दिशा नहीं बदल रहा है, जिधर जा रहा है उधर ही जा रहा है, तो ऐसे में भी वर्क डन जीरो हो जाता है। जैसे कि रस्सी से कोई चीज़ बांध के लगाइए सेंट्रिपिटल फोर्स, तो ऐसे केस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 रखने पर जीरो हो जाएगा वर्क डन, तो ये फार्मूले पर भी फिट बैठ रहा है। तो जब भी कोई जैसे रस्सी से बांध के ऐसे चीज़ को ऐसे राउंड राउंड घुमाइए तो हर समय ये जो रस्सी का फोर्स है वो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, जिसे सेंट्रिपिटल भी कहते हैं, परंतु उसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट की दिशा होगी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट जिसमें 90 डिग्री बना रहेगा, तो कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स ने कोई काम नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है विच इज मूविंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो अगर टेबल पर एक ब्लॉक है और जो इधर ये चल रहा है ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो वो टेबल पर नीचे तो आ नहीं रहा है, इधर नहीं आ रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो ऐसे केस में ग्रेविटी का वर्क डन जीरो हो जाएगा। जो खींचेगा उसके लिए वर्क डन, उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल में अगर देखेंगे कि इफ़ यू एज्यूम दैट मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज परफेक्टली सर्कल, देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि जो मून्स का मून का जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल होगा,
और वो रेडियस से, यानी जिधर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का अर्थ के तरफ, तो उससे 90 डिग्री बनाएगा। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा में हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की दिशा के अपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और जब फोर्स परपेंडिकुलर में दिशा में हो डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन जीरो होता है। तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 0 90 या 90 80, उसके हिसाब से कॉस थीटा का वैल्यू माइनस के तरफ होगा या प्लस के तरफ होगा। और अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ इंटू डी फोर्स का यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट न्यूटन मीटर, जिसे जूल कहा जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क विल बी जूल। देखिए, मान लीजिए कि हम नेगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल सोच रहे हैं। ये एक मान लीजिए ईंट है, इस ईंट को आप ऊपर उठा रहे हैं तो आप फोर्स ऊपर लगाए और ये ईंट भी ऊपर ही उठा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो योर वर्क डन टू लिफ्ट दिस ब्रिक इज पॉजिटिव। लेकिन इसी समय देखें, इस ईंट को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी, ग्रेविटी फोर्स एफ जी दे देता हूँ मैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ, तो इसी एक्टिविटी में वर्क डन बाई ग्रेविटी व्हेन दिस ब्रिक वाज लिफ्टेड अपवर्ड बाई ए पर्सन, वर्क डन बाई द ग्रेविटी इज निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट जबकि अपवर्ड है, तो वर्क डन विल बी निगेटिव। कितना निगेटिव होगा? अगर पॉजिटिव वर्क डन 10 जूल हुआ तो जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो एग्जैक्टली माइनस होगा, -10 जूल। वर्क की अन्य जो यूनिट्स हैं, आप सुने होंगे अर्ग, तो वो सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड वाली, तो वो जूल से काफ़ी छोटी होती है, 10^-7 जूल होता है एक अर्ग में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छोटी यूनिट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई का वैल्यू रख देंगे तो उतना जूल बन जाएगा, 1.6×10^-19 जूल। एक कैलोरी होता है वो जूल बनता है, 4.186 जूल, किलोवाट आवर आप क्लास 10th से जानते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। स्किडिंग मतलब फिसलते हुए साइकिल रुकी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। यानी कि फोर्स ऑन द साइकिल, रोड ने जो साइकिल पर फोर्स लगाया वो 200 न्यूटन लगाया, एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? तो साइकिल एक ऑब्जेक्ट है और वो साइकिल मान लीजिए इधर मूव कर रही है, तो ये साइकिल का डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, जबकि रोड उसको हमेशा उल्टा फोर्स लगा रहा होगा इधर, दिस इज द फोर्स बाई द रोड, तो ये अपोजिट है, तो वर्क डन कितना हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव कितना हुआ? अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ और फोर्स लगा 200, तो ये हो गया 2000, 2000 जूल निगेटिव वर्क डन पहले का आंसर होगा, ये वाले का आंसर -2000 जूल होगा जो कि साइकिल पर रोड ने लगाया। सेकेंड में देखिए, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? तो न्यूटन थर्ड लॉ से साइकिल भी रोड पर 200 न्यूटन फोर्स लगाई, परंतु डिस्प्लेसमेंट जो रोड का हुआ वो जीरो हुआ, रोड अपने जगह पर ही रहा, तो ऐसे में वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो साइकिल ने रोड पर कोई वर्क डन नहीं किया। थैंक यू।